वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी में उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। शर्मवीरपुर धाम में गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों को गंगा नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया है। इसके बाद साथ ही अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहां पर शव को दफन किया गया है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों को दाह संस्कार के साथ ही बच्चों, सन्यासियों व अन्य लोगों को मौत के बाद दफन करने की पुरानी परंपरा है। श्रमवीरपुर धाम में प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कोरोना की सेकेंड वेव से पहले यहां पर प्रतिदिन 50 से 60 शवों का दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन अप्रैल माह में जब कोविड से मौतों के आंकड़े बढ़े तो श्रमवीरपुर घाट पर ज़्यादा संख्या में शवों के आने का सिलसिला शुरू किया गया, जिससे श्रमवीरपुर घाट पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी हो गई और लकड़ी ठेकेदारों ने भी लोगों से दाह संस्कार के लिए ज़्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए, जिसके बाद लोगों ने मजबूरी में दाह संस्कार के बजाय शवों को दफनाना शुरू कर दिया। श्रमवीरपुर धाम में गंगा नदी के घाट पर जिस ओर नजर आ रही हैं वह शव दफनाए गए हैं। श्रमवीरपुर धाम के घाट पर हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। दफनाए गए शवों के पास आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। दफनाए गए शवों को जहां किसी जानवरों द्वारा निकाले जाने की आशंका बनी हुई है, वहीं जून जुलाई में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शवों के रेत से बाहर निकलने की आशंका जताई जा रही है। दफनाए जा रहे साथ ही जगह जगह पर कोरोना से संबंधित दवाएं पड़ी हुई हैं। घाट पर अंतिम संस्कार करने आए अशोक मौर्य ने भी गंगा नदी की रेत में इस तरह से शवों को दफनाए जाने की गलत बता रहे हैं। शमशान घाट पर लकड़ी की कमी और प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम न किए जाने से मजबूरी में लोग शवों को रेत में दफना कर लौट जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रयागराज में श्रमवीरपुर घाट पर शवों को दफनाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाया जाने को लेकर SDRF और जल पुलिस को गंगा नदी के किनारे पेट्रोलियम का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ जो लोग शवों को का दाह संस्कार करने में सक्षम नहीं, ये श्रृंगवेरपुर धाम है प्रयागराज का और ये वो जगह है जहाँ पर से भगवान राम अपने वनवास काल से गुजरे थे। ये वो पवित्र जगह है जहाँ पर जहाँ के नाम रामायण में भी आते हैं। हम उस जगह पर खड़े हैं और यहाँ का हाल यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में लाशें दफनाई गई हैं, तो मैं आज आया था दौरा करने के लिए कि क्या हकीकत है, और हकीकत वाकई में बहुत भयावह है। तमाम जगहों पर मरीजों की दवाएं पड़ी हुई दिखाई दी, तमाम कुछ जगहों पर मरीजों का कंकाल दिख रहा है, और ये बालू में जिस तरह से ये दफनाया गया है, जब अभी बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है और जब नदी बढ़ेगी तो जिस तरह से लाशें सब उभर के बाहर आएंगी और उसके ज़रिए जो बीमारियां होंगी, ये आगे का सोच कर मुझे ये फिक्र हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोरोना के मरीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रयागराज में बढ़ने लगें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, वो न मरीज़ों को सही इलाज दिला पाई न मरीज़ों को चिता दिला पाई। कम से कम उनके मरने के बाद जो उनको सम्मान दिया जा सकता है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये बहुत सी पवित्र जगह जहाँ की रामचंद्र जी का यहाँ से लोग बार रामायण और गीत हर जगह ये होता है कि श्रृंगवेरपुर फेमस किस तरीके से हुआ है, जो कि रामचंद्र यहाँ से पार हुए थे अयोध्या जाने के लिए, और ये इस पवित्र जगह पे आज ये हालत हो गई है कि आदमी इतनी गंदगियाँ आज ये देखा जाए इतने लाशें दफनी हुई है।
आज ये नहीं बता सकते कोई कि कौन सी लाश किस तरीके से यहाँ दफनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आज ये गंगा जी का पानी बहेगा या जब ही होगा तो ये मिट्टियों का जो भी कड़ा आएगा, आज ये गंगा जी का पानी दूषित होगा, दूषित होगा तो ये बीमारियाँ बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाए। इसमें प्रशासन को थोड़ा भी ध्यान दे। जो कि दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ आने के बाद पंडा हों या जलाने वाले हों, लकड़ियाँ वाले हों, इसमें कोई भी पब्लिक परेशान हो के आती है, घर में मरे हुए इंसान रहते हैं, यहाँ एक तरीका से इस तरीक़ा से मोल भाव किया जाता है, ये बहुत गलत बात है, बहुत दुर्भाग्य की ऐसी बात है कि जो कि इस पवित्र जगह पे ऐसे लोग बार दें ये कर्म कर रहे हैं, इसके हम बहुत वर्जित हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।